Gurave Gaura Chandraya Radhikaya Istadale Krishnaya Krishna Bhaktaya Tad Bhaktaya Namo Namo Vancha Kalpatarudhasya Kripa Sindhu Mayracha Patitanan Pavanibho Vaisnavibho Namo Namo Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Srivasadhi Gauru Bhakta Vrinda Kula Hari Krishna Hari Krishna 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 Hari 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 Rama Hari Rama 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 Sarapratam Mere Guru Pad Padma Nitalila Pravishnu Vishnu Pad Ashtodara Satasri Sri Sri Madhu Bhakti Sri Guru Siddhanti Goswami Maharaj Ji Charan Kamalini Anand Koti Sashtang Nandavar Pranam Prasam Tat Pashyat Mere Sikya Guru Pad Padma Nitalila Pravishnu Vishnu Pad Ashtodara Satasri Sri Sri Madhu Bhakti Vedanta Srila Narayana Goswami Maharaj Ji Charan Sarvini श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ उपस्थित वैष्णव वैष्णवी सभी को मैं जपादी को प्रणाम करता हूँ हरे कृष्णा। पहले हम लोग श्रवण कर रहे थे, यद्यपि भक्ति पहले थी लेकिन भक्ति का जो रस है, ये भक्ति को एक जो रस रूप किसने दिया, श्री रूप गोस्वामी। इसलिए कहते जब कलि रूप शरीर ना धारत तम ब्रज प्रेम महानिधि कौन कुठारी को भर। इसलिए कहते श्री मध्व है, कहते वो रूप गोस्वामी कौन है, जगत में क्यों आया, जगत में उन्होंने क्या दिया है। तो उन्होंने एक भजन को माध्यम से उन्होंने बताए, अगर श्री रूप गोस्वामी नहीं आते तो जो भक्ति रूपी जो भंडारा वो बंद था, वो भक्ति रूपी भंडारा वो बंद था। लेकिन ये चीज़ को उभारा तो मतलब उसने कौन कपाट को खोले। इसलिए गुरुदेव कहते हैं कि इसमें दो कपाट है। रूप गोस्वामी बहुत बहुत ग्रंथ लिखे लेकिन विशेष कर उसमें दो कपाट है। बोले दो कपाट में क्या किया है, बोले एक तो उन्होंने भक्ति रसामृत सिंधु ग्रंथ लिखे, भक्ति को रस दिया, भक्ति रसा, फिर रस नहीं, भक्ति जो है एक अमृत है, भक्ति एक अमृत है, मतलब भक्ति में आनंद है, भक्ति में आनंद है, है? जैसे साधारण कर्म ज्ञान जो कोई भी आप साधन करो ना, साधन में आनंद नहीं है, बड़ा सुखा है, लेकिन आप भक्ति की जाचन करो, भक्ति में दुख नहीं है, भक्ति में आनंद है। भक्ति ऐसे की चीज है, मतलब डांसिंग एक्टिंग सिंगिंग है, इसलिए भक्ति में नाचो भगवान कीर्तन को भी आनंद है, प्रसाद बढ़िया बढ़िया भगवान भोग लगा बढ़िया बढ़िया प्रसाद उसमें भी आनंद है, और कीर्तन कर उसमें भी आनंद है। इसलिए भक्ति शुष्क चीज़ नहीं है, भक्ति एक रस है। कथा सुनो इसमें भी आनंद है, कथा बोलो उसमें आनंद है, इसमें साधन में भी आनंद है और सिद्ध में भी आनंद है। इसलिए भक्ति में दुख नहीं है, भक्ति में दुख नहीं, भक्ति में हर समय आनंद 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 आनंद। आप कहते हैं प्रतिपदम पूर्णामृता स्वादनम, प्रतिपद पद में एक नई नई आनंद की अनुभूति होती है। इसी जो भक्ति है वो एक रस है और एक आनंद है, और आनंद का एक समुद्र है। भक्ति रसामृत सिंधु, भक्ति रस की एक आनंद और कैसे बोले कि समुद्र है, हैं? तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी उदाहरण देते हैं, पक्षी जन आकाश रे अंत नहीं पाए, जत दूर शक्ति तत दूर उड़ी जाए। जैसे एक चिड़िया, जैसे आकाश का कोई अंत है, कोई अंत नहीं, उसके उसकी पंख में जितनी ताकत है ना, जितनी ताकत है उड़ते रहो, उड़ते रहो, आकाश में जितना उड़ना तुम उड़ सकते हो। उसी तरह जो भक्ति इतने एक समुद्र है, बस गोता लगाते रहो, गोता लगाते रहो, गोता लगाते रहो। और दुनिया में देखना, हर आनंद देखना
बढ़ते 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 एक जगह पर तक टिक जाता है, उसको ऊपर नहीं है। जगत में कोई भी आनंद है, देखना कोई भी आनंद जाते एक लिमिटेड है, लेकिन भक्ति में कोई लिमिटेड नहीं। जितने गोता लगा सके लगाओ गोता, इतने गोता लगा सकते उतना गोता लगाओ और उतना अमृत को पान करते रहो। इसलिए उन्होंने भक्ति रसामृत सिंधु लिखे। और एक ग्रंथ क्या लिखे गुरुदेव कहते हैं, उज्ज्वल नीलमणि। हाँ, इसलिए जो भगवान की जो जय जय उज्ज्वल रस सर्वरस सार, इसलिए ग्रंथ का नाम उज्ज्वल का, उज्ज्वल मतलब होता प्रकाश है, नीलमणि। इसलिए कहते तो भगवान की अंग कैसे है, इसलिए भक्त मनोहर ठाकुर कहते हैं, इंद्र नील जीनी कृष्ण रूप खानी हेरिया कदम्ब मोले, मन ओ चाटन नाचले चरण, मन ओ चाटन नाचले चरण। इसलिए भक्त मनोहर ठाकुर कहते हैं, संसार गेला मोल, इसलिए भगवान के रंग को, इसलिए श्री भक्तिमय ठाकुर कहते क्या, बोले एक भगवान को रूप क्या कहते, बोले भगवान काल कहते ना, भगवान काल, काले कैसे कोलतारती से कहना, कोलतारती से काले, बोले नहीं ऐसे काले नहीं है भगवान के रंग, ऐसे काले नहीं है। इसलिए नव जल धर घन श्याम बताया, हाँ नव नीर गनी देता कांति धर्म, इसमें उदाहरण दिया है, नव नीर नींद का कांति धर्म, भगवान जो शरीर का रंग है नव नीर, मतलब नया मेघ जैसे, आकाश में जो मेघ है ना वो तो मेघ का रूप अलग है, वो खोलता जिसे काले नहीं है, खोलता जिसे काले नहीं है, हैं वो एक सुंदर एक रूप है, उसको देखने से आंखों की शोभा बढ़ती है। इसलिए एक मणि है जिसको पता है इंद्र नील मणि, हैं कृष्ण का जो रंग है इंद्र मणि को साथ में उदाहरण दिया है, कृष्ण रूप खानी है दिया कदम भूले, मान उचाट नाचल चरण संसार गेला। इसलिए जिसके रूप देखने पर जीव संसार का सारे मोह माया खत्म हो जाती है। इसलिए ग्रंथ का नाम क्या लिखा, उज्ज्वल नीलमणि, हैं नील उज्ज्वल नीलमणि, भगवान के रंग जैसे उज्ज्वल है ऐसे कहते जो रस है, हैं कहते जय जय उज्ज्वल रस सर्वरस सार। इसलिए जितने रस में जो सर्वश्रेष्ठ रस है कहते पर क्या भाव जहाँ ब्रजत प्रचार, जो पर क्या भाव रूप में ब्रज में प्रचार है वो प्रेम किसकी है, कहते ब्रज गोपियों की ये प्रेम है। इसलिए जो उज्ज्वल नीलमणि ग्रंथ है उसमें किसका अधिकार, वह सबका अधिकार नहीं, भक्ति रसामृत सिंधु ग्रंथ को तो सब रस वाले पढ़ सकते हैं, शांत दास्य सख्य वात्सल्य मधुर, लेकिन ये ग्रंथों को रूप गोस्वामी खुद कहते हैं इसको सब मत पढ़ा दो, सबका इसमें अधिकार नहीं, वही पढ़ सकते हैं जिसका केवल श्रृंगार रस में जो भी अधिकार है, केवल श्रृंगार रस में गोपी भाव से जो उपासना करना चाहते हैं उनके लिए ग्रंथ है, क्योंकि वहाँ पर केवल उसी विषय पर विवेचना की गई और किसी, इसलिए गुरुदेव कहते रूप गोस्वामी कहते जम कल रूप शरीर नाधार तम, अगर श्री रूप गोस्वामी जगत में नहीं आते तम ब्रज प्रेम महाकुटल को, उदाहरण दिया ब्रज प्रेम कैसे, बोले महाकुटल को इसका कोई अंत नहीं। इसलिए कहते कौन कपाट उठाड़ तो भैया कपाट को कपाट कौन खोलता, बोले किसने श्री रूप गोस्वामी। इसलिए गुरुदेव कहते हैं कहते उन्होंने महाप्रभु तब उनको एक प्रेम दिया हृदय में, कहते उन्होंने प्रयाग में, उन्होंने श्री रूप गोस्वामी को प्रयाग में सारे सिद्धांत तत्व सब कुछ उनके हृदय में प्रयाग में उन्होंने स्फूर्ति प्रयाग में उनको प्रदान किया। इसलिए गुरुदेव कहते हैं महाप्रभु ने उनको चाबी काट पकड़वा दिया, लो ये चाबी काट ले, चाबी काट किसको देंगे, जैसे पिताजी भी बहुत बड़ा कोई बिजनेस है, बड़ी बिजनेस है, अरब खरब रुपया की संपत्ति का ट्रेजरी की करना है, पिता क्या सबको दे देगा ट्रेजरी का चाबी, कहते ट्रेजरी का चाबी क्या वो सबको दे देगा, नहीं, जो बेटा जिन पर
पी कर पड़ा रहता है, पैसा उड़ा देता है, पिता उसको देगा नहीं देगा, ऐसे बच्चे को देगा, जो बच्चे को देने पर पैसा बर्बाद नहीं करेगा, दो पैसा को चार पैसा कर देगा, हैं धीरे धीरे वो बिजनेस को आगे बढ़ाएगा, हैं पिताजी उसको हाथ में ही वो चाबी का ठीक प्रदान करेंगे, सबका हाथ में नहीं देंगे, वो नारा बच्चे को। इसलिए महाप्रभु ने कभी चाबी का किसको हाथ में दिया, बोले रूप गोस्वामी को दिया, बोले क्यों, कभी श्री चैतन्य मनोभीष्टम स्थापित जैन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यम ददाती सुपदा दी। कहते श्री रूप गोस्वामी कौन है, बोले श्री चैतन्य मनोभीष्टम। कहते महाप्रभु का जो मन की जो अभिष्ट है, उनकी जो इच्छा है, उन्होंने क्या किया, उन्होंने जगत में उसको उन्होंने स्थापन किया। मतलब महाप्रभु जिसके लिए आए, जिस काम के लिए महाप्रभु आए थे, इसलिए कहते हैं अगर रूप गोस्वामी नहीं होते ना महाप्रभु को जगत में क्यों आए, और जगत को उन्होंने क्या दिया है, उनका क्या अवदान है, महाप्रभु का क्या वैशिष्ट्य, हमें पता ही नहीं चलता, इस विषय पर हमें पता ही नहीं चलता। इसलिए कहते ब्रज प्रेम महाकुटर को कौन उधार को है, इसको कौन उसको बोलता, यही बोले। इसलिए इनका नाम महाप्रभु ने क्या दिया, रूप, क्या दिया, बोले रूपक नाम क्यों दिया। इसलिए श्री जीव गोस्वामी कहते हैं रूप मतलब होता है ये सबका रूप है, महाप्रभु का भी रूप है, स्वरूप दामोदर का रूप है, गराधर पंडित का रूप है, राधा रानी का भी रूप है, श्री रघुनाथ दास गोस्वामी का रूप है, ये सबका रूप श्री रूप है, ये सबका रूप, ये सभी का रूप होने का नाते इन्होंने क्या किया, सभी के हृदय में जो भावना है, सभी के हृदय की भावना को उन्होंने जगत में प्रकाशित किया, सभी का हृदय भाव। इसलिए महाप्रभु सारे भक्तों को बुलाए, हैं जो उन्होंने एक श्लोक दो श्लोक लिखे थे, अनर्पित चरित्राज करुण यावत नकलो समर्पित उन्नत उज्ज्वल रसांग सौभक्ति श्लोक। इसलिए हरि पुरट सुंदर दूति कदम्ब संदीपित सता हृदय कंदर स्फुरत व सचिन। इसलिए जिस श्लोक को सुन करके महाप्रभु का प्रेम हृदय गदगद हो गया, हमने क्यों महाप्रभु कौन है, किस लिए आए, जगत में उन्होंने किया दिया, एक श्लोक में उन्होंने सब कुछ वर्णना किया, सब कुछ एक श्लोक में वर्णना किया, महाप्रभु सुन करके ऐसे प्रेम में गदगद हो गए। और जब उन्होंने नाम की महिमा जब देखे, तुंडे तांडविनी करते तुंडा बलि लब्धे करना करड़ो कड़मिनी घटे थे करना देव स्प्रिया चेत प्रांगण संगिनी रचय थे सर्वेन्द्रिया नाम कृति नो जान जनित किम अद्भुत कृष्ण दिवर्ण। कहते जब उन्होंने ये श्लोक उन्होंने सुना है ना, नाम की महिमा, बोले हमने बहुत तो नाम की महिमा सुने हैं, लेकिन इतने नाम की इतना सुंदर श्लोक अभी तक हमने सुना ही नहीं। इसलिए जिस श्लोक को सुन करके महाप्रभु का हृदय नाच उठा, और फिर सारे भक्तों को बुलाए और बोले बोलो तो तुमने किया मेरे बारे में, क्या मंगलाचरण श्लोक में क्या लिखे, नाम की महिमा तुमने क्या लिखा, बोलो तुमने। उसको सुन करके ना हरिदास ठाकुर का हृदय का नाच उठा, वो नाचना शुरू कर दिया हरिदास ठाकुर हैं। इसलिए इनका नाम से रूप है, रूप मतलब महा सबका जो रूप है, इसलिए महाप्रभु थे सारे भक्तों को लाए, ये सब आशीर्वाद रूप गोस्वामी को सब लोग आशीर्वाद दो, जैसे मेरी जो मन है विष्ट है, मेरी जो इच्छा है, जैसे ये सारी इच्छा को जैसे पूरी कर पाए, सब इसको आशीर्वाद दो। और जितने सारे भक्त थे रूप गोस्वामी का आशीर्वाद दिया, आशीर्वाद दिया, तभी उन्होंने ये सब दिव्य दिव्य ग्रंथ को प्रकाशित किया, महाप्रभु की जो इच्छा को जगत में उदित किया। इसलिए कवि कर्ण गुरु कहते हैं प्रिय स्वरूप दैत्य स्वरूप प्रेम स्वरूप सहजा विरूपे कतान रूपे सुविलास रूपे। इसलिए उन्होंने रूप की झड़ी लगा दिया, रूप कौन है, बोले प्रिय स्वरूप महाप्रभु अत्यंत अत्यंत प्रिय। इसलिए प्रिय स्वरूप है, ये कौन है, बोले ततान रूपे, ततन मतलब होता है विस्तार है, विस्तार है। इसलिए गुरुदेव कहते हैं जैसे श्री
भगवान ब्रह्मा जी के हृदय में सारे तत्व ज्ञान को स्पूर्ण कराया और ब्रह्मा जी की आज्ञा सारे सृष्टि रचना की है, सृष्टि रचना की। उसी तरह महाप्रभु ने कहते आदि कभी कौन है, ते ने ब्रह्म हृदय जो आदि कवे मूलधंति जत सूर्य। इसलिए भगवान जैसे ब्रह्मा जी के हृदय में सारे तत्व ज्ञान को स्पर्ण किया, उसी तरह श्री चैतन्य महाप्रभु ने श्री रूप गोस्वामी के हृदय में सारे तत्व सिद्धांत उन्होंने उनके हृदय में स्फूर्ति कराया, सारे तत्व सिद्धांत को स्फूर्ति कराया और श्री रूप गोस्वामी दिव्य दिव्य ग्रंथों को रचना करते हुए महाप्रभु की इच्छा को जगत विचार किया। इसलिए प्रिय स्वरूप दैत्य, दैत्य मतलब क्या है, अत्यंत अत्यंत जो प्रिय है, क्योंकि महाप्रभु के हृदय की भावना को जो समझ गए। रथ यात्रा के समय पर महाप्रभु क्यों किस लिए एक श्लोक बोल रहे थे साधारण काव्य ग्रंथ का, ये चीज़ को कोई नहीं समझ पा रहे थे, लेकिन इसलिए रूप गोस्वामी समझ करके उसकी अनुरूप और एक श्लोक को लिख करके उन्होंने छत पर रख दिया, और जिसको महाप्रभु देख करके पढ़ करके इतने प्रसन्न हो गए, बड़े खुश हो गए, बोले तुम्हारे मेरे हृदय को समझा के महापुरुष को पीठ पर थपथपा। इसलिए प्रिय स्वरूप दैत्य स्वरूप प्रेम स्वरूप ततान रूपे सहजाव रूपे सोविलास रूपे, इसलिए उन्होंने महाप्रभु गोस्वामी के ऊपर में रूप 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 लगा के उन्होंने झरी लगा दिए से रूप को। इसलिए यहाँ पर कहते हैं अगर रूप गोस्वामी नहीं आते तो कभी ये वृंदावन धाम कौन प्रकाश करता, इसलिए महाप्रभु रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी कभी ये दो सेनापति को उन्होंने वृंदावन में भेज दिया। सेनापति कौन होता है, जो मेन व्यक्ति सेनाओं का जो पति है, इसलिए रूप सनातन ये कौन है, बोले सेनापति हैं, ये दो सेनापति को उन्होंने भेज दिया जाओ वृंदावन में। सेनापति आकर क्या करो, ये वृंदावनियम रसकेली वार्ता, वृंदावन की जो रसकेली वार्ता है, राधा कृष्ण की जो प्रेम वार्ता है, जाओ रसकेली वार्ता को जगत में प्रचार और प्रसार करो। इसलिए रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी जगत में जगत नहीं आते तभी वृंदावन को कौन प्रकाशित करता, इन्होंने इसी वृंदावन को प्रकाशित किया। बोले को जान तो मथुरा वृंदावन, अगर ये नहीं होते मथुरा वृंदावन प्रकाश नहीं होता, एक अर्थ। दूसरा अर्थ गुरुदेव कहते हैं को जान तो मथुरा वृंदावन, मतलब क्या, ये मथुरा और वृंदावन, मथुरा में भगवान का लीला है, वृंदावन में भी लीला है, लेकिन मथुरा में जो लीला है ना वो लीला ऐश्वर्य प्रकट है, वहाँ पर कृष्ण चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए, मथुरे से बैठे हुए 16108 पटरानियों के साथ में बैठे हुए, यद्यपि वहाँ पर भक्ति है लेकिन वो ऐश्वर्य मिश्रित भक्ति, कृष्ण को ऐश्वर्य रूप में वहाँ पर आराधना करते हैं मथुरा में, इसलिए उनका जो रति सामंजस्यामृत रति है। सामंजस्यामृत रति क्या है, रति तीन तरह का है, एक है समर्था, एक है सामंजस्य और एक है साधारण है। तब जो सामंजस्य रति मतलब है कुब्जा की जो प्रेम को बताया, ये कौन सा कहते सामंजस्य समर्था और इसका रति साधारण ही रहती है, इसलिए लेकिन मथुरा में जो भक्ति कहती सामंजस्य मतलब है, जैसे महिषी या कृष्ण को तो प्रेम करती है लेकिन उनका बच्चे भी है। अब देखना एक लड़की जब शादी करता है जब तक बच्चा नहीं होता ना उसका प्रेम पूरा पति को होती रहती है, लेकिन बच्चा हो जाए वो प्रति पति से हट जाती है, उसको प्रति आ जाता है, प्रति बच्चे में आ जाता है, तो प्रति बच्चे में आधा और पति में आधा रह जाती है, दोनों में आधा आधा बढ़ जाती है, इसलिए वहाँ उनके बच्चे हैं, इसलिए उनका जो प्रेम कृष्ण का प्रति आधा कृष्ण में और आधा इसमें बच्चों में, लेकिन जो ब्रज का जो रहती ये समर्था, समर्था रहती मतलब भगवान को कंट्रोल करने में जो समर्थ है, क्यों गोपियों के बच्चे ही वो तो पूरा एक पैंट होकर के
हैं तान मन मनस का हैं, इसलिए मदगता चिंता कहते उनको संपूर्ण मन में कृष्ण ही बैठा हुआ, उनको मदगता चिंता, उनका जो चित्त है केवल भगवान, इसलिए कृष्ण कहते जो गोपियाँ हैं संपूर्ण तन मन सब कुछ मैंने मन मना भव मन भक्त भव माम जाति माम नमस्कार, तो बोले एक पॉइंट के बोले कृष्ण को ही देखते, इसलिए कहते अगर श्री रूप गोस्वामी नहीं होते भैया मथुरा किया हरिद्वार का किया वृंदावन किया इनका क्या भक्ति इसको कौन बोलता है। इसलिए उदाहरण देते हैं जैसे जंगल में फूल है लेकिन एक मधुकर क्या करता है, मधुमक्खी हर फूलों के ऊपर बैठी करके मधुओं को संग्रह करते करते एक सुंदर मधुमक्खी छत्ता बना देते हैं जो खाने के लायक रहता है। इसलिए कहते हैं जंगल में बहुत सारे फूल खिले हुए मतलब बहुत ग्रंथ है लेकिन वो ग्रंथ को सार सार उसको कौन संग्रह करता है, बोले मधुकर। जैसे मधुकर शहद को उन्होंने ले लेकर के मधुमक्खी छत्ता बनाती है, कहते जैसे रूप गोस्वामी इस सारे शास्त्र का निचोड़ को लेकर के उन्होंने जो दिव्य दिव्य एक ग्रंथ प्रकाशित किया, ये एक विशेष। जैसे जंगल में फूल है लेकिन फूल को सुंदर सुंदर बेली चमेली गुलाब सब फूल को लेकर के एक सुंदर माला बना और माला बनाकर ठाकुर को गले में पहना दो, फूल तो वैसे सुंदर लगता है लेकिन जो माला बन करके ठाकुर को गला में शोभा पता है ना निकाला। जंगल में फूल खिला हुआ है लेकिन अलग अलग फूल लग रहे गुलदस्त जो बना देते हैं उसमें एक अलग सुंदर दिखता है। इसलिए रूप गोस्वामी जितने भी बहुत तरह तरह का ग्रंथ है लेकिन ग्रंथ का सार को लेकर के एक सुंदर एक रस का जो रूप प्रदान किसने किया, श्री रूप गोस्वामी ने किया है। इसलिए अगर रूप गोस्वामी नहीं होते हैं इसलिए हम कहते भक्ति 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 लेकिन उसमें स्वरूप सीधा भक्ति है संघ सीधा भक्ति आरोप सीधा भक्ति भैया ये क्या चीज है हमको पता ही नहीं चलता, स्वरूप सीधा आरोप सीधा संघ सीधा भक्ति क्या है हमें स्वरूप चीज पति ने पता नहीं चलता। इसलिए भक्ति का जो उन्हें डेफिनेशन दिया है हाँ इसलिए सोकिया भक्ति पर किया भक्ति उसमें भी जो पर किया भक्ति में भी मधु स्नेह घृत स्नेह किसको पता भैया मधु स्नेह घृत स्नेह को तदीयता मदीयता उन्हें सब डेफिनेशन जो दिया है ना अद्भुत रूप में उन्होंने डेफिनेशन दिया। अगर ये महापुरुष नहीं होते सब चीज़ें उसको पता ही नहीं चलता भैया ये भक्ति रहती। इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं यद्यपि पहले भक्ति थी लेकिन भक्ति को जो है रस रूप दिया किसने दिया, श्री रूप गोस्वामी ने दिया। इसलिए हम सबके सब श्री रूप गोस्वामी के चरण में हम ऋणी हैं, इसलिए वो हम सबको परम कृपा करें। उन्होंने जगत में जो चीज़ को बताना चाहते देना चाहते हैं उसका एक बूंद अगर हमारे आस्वादन का विषय हो जाए ना हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। बोले हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। बोले हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। गौर ब्रह्मा।